मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बेसिक लेक्चर देख रहे थे, जिसमें दो लेक्चर कंप्लीट हो चुका था और हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें रॉल एंड ड्रॉ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग अगला इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन। तो देखिए, ये ड्राफ्टिंग मशीन जो होता है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, किस जगह किस पोर्शन को क्या कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये देखिए अपने पास ये ड्राफ्टिंग मशीन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि इसके जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या क्या है। सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको क्लैंप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लैंप कहते हैं, इसको क्लैंप नट बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये आपका क्लैंप हो गया, ये क्लैंप नट हो गया। तो ड्रॉइंग बोर्ड में इसको क्लैंप को हम लोग क्या करते हैं, फिट करते हैं और क्लैंप नट को टाइट कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, और ये जो स्टील का बार दिख रहा है इसको पैरेलल आर्म बार कहते हैं। जितने स्टील के बार हैं, चार गो रड है, इस चार स्टील के रड को पैरेलल आर्म बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज पैरेलल रहता है। कोई दिक्कत? चलिए, अगला इसका नाम है यहाँ पे, इस पोर्शन को कहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर हेड। इसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर हेड, क्योंकि यहाँ पे एंगल रहता है। ठीक है, ये प्रोटेक्टर का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। इसको प्रोटेक्टर हेड का नट बोलते हैं। तो चलिए, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम तब क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्राफ्टिंग मशीन कहते हैं। देखिए, इसको फिक्स कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये क्लैंप को हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉइंग बोर्ड पर फिक्स करते हैं। तो क्लैंप को ड्रॉइंग बोर्ड पर फिक्स करके हम लोग क्लैंप नट से इसको टाइट कर लेते हैं। कोई दिक्कत? क्लैंप को फिक्स करके क्या करते हैं? क्लैंप नट को टाइट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, अगला स्टेप होता है इसमें कि प्रोटेक्टर हेड पे देखिएगा एक स्केच लाइन होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्केच लाइन, और यहाँ पे ये जो वर्किंग एज है या जिसको इस ब्लेड बोलते हैं, दोनों का रिलेशन 90 डिग्री होता है, तो इसके बीच में जीरो होगा। तो जीरो का लाइन और स्केच लाइन को एक सीध में ला के कस लेते हैं। जीरो लाइन, ठीक है, और स्केच लाइन को एक सीध में ला के कस लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइंग शीट को फिक्स करते हैं। अगला जब हम लोग शीट लेआउट पढ़ेंगे वहाँ भी ब्रीफ में समझेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बॉडी का स्केच लाइन और जीरो लाइन दोनों को एक साथ सीध में ला के कस लेते हैं। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग शीट का जो दो एज होता है इसी के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। चलिए अगला, कि इसका यूज कहाँ करते हैं। देखिए, इसका जो यूज होता है पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ड्रा एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल लेंथ, इन सब वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, अब जब आप इस प्रकार इसको सेट कर लीजिएगा तो कहीं भी हॉरिजेंटल स्केल से लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ऑलवेज हॉरिजेंटल के क्या होगा, पैरेलल होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वर्टिकल के कहीं भी खींचिएगा वर्टिकल स्केल से तो वर्टिकल के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे जितने भी वर्टिकल स्केल से खींच रहे हैं सारे क्या है, वर्टिकल के पैरेलल हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल कहीं खींचिए, हॉरिजेंटल के पैरेलल होगा। कोई दिक्कत? तो इसका यूज समझ रहे हैं, ड्रॉ पैरेलल लाइन, ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन। तो आप देखिए, हॉरिजेंटल पे कहीं वर्टिकल खींच दीजिए, ऑलवेज देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन हो रहा है। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला इसका यूज करते हैं, ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि इससे हम लोग एंगल को भी ड्रॉ करते हैं और मेजर करते हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए कि आपको कहीं भी एंगल क्रिएट करना, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करना, ठीक है, मान लीजिए कि हमको 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए, ड्राफ्टिंग मशीन को पहले जीरो और स्केच लाइन पे लाके कस लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट पे हमको पी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ड्राफ्टिंग मशीन के प्रोटेक्टर हेड के नट को लूज करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 वाले लाइन पे आएंगे फिक्स कर लेंगे, 60 वाला लाइन पे आए फिक्स कर लिए। अब उस पॉइंट पे ले जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एंगल होगा फिर कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत? चलिए, उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि जैसे 0 से 10 इसके बीच में 10 डिग्री हुआ, इसके बीच में भी एक लाइन होता है तो वो 5 का लाइन है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 15 डिग्री का बनाना है, तो 0, 10, 20 अब उसके बीच में एक लाइन होगा तो कितना, 15 बताएगा वो। कोई दिक्कत? इसी प्रकार इससे हम लोग एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हम सीट लेआउट में और चलाने के लिए सिखाएंगे इसको, लेकिन अभी हम लोग इसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस पोर्शन को समझिए। तो चलिए, कि ड्राफ्टिंग मशीन
क्या होता है तो यहाँ पे बना देते हैं, आप लोग भी नोट पे इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ देर के लिए क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। अब ये ड्राइंग बोर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ फिक्स करेंगे। चलिए ये ड्राफ्टिंग मशीन का क्लैंप हो गया, ठीक है। ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड है, कोई दिक्कत। चलिए ये क्या हो गया, तब क्लैंप हो गया। चलिए आगे आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल स्केल हो गया, स्केल विथ ब्लेड, स्केल विथ ब्लेड, ये स्केल है ब्लेड के साथ रहता है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे स्केलिंग किया रहता है, यहाँ भी एंगल बना रहता है, ठीक है, यहाँ भी एंगल रहता है, ये जीरो रहता है, यहाँ पे 10-20 इधर भी चलता है, यहाँ पे एंगल रहता है। चलिए अब पैरेलल आर्म बार को दिखा दें, सिर्फ समझने के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपका ड्राफ्टिंग मशीन का सेटअप हो गया। चलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल आर्म बार, पैरेलल आर्म बार, क्या कहते हैं, पैरेलल आर्म बार कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसी प्रकार आप लोग भी अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसका यूज फिर देख लेते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन का यूज कहाँ है, तो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल लेंथ, यही सब इसका वर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं इसका यूज में लिखे होंगे, देख लीजिए आप, यूज में लिखा हुआ है, मिटा देते हैं डायग्राम को। चलिए अब यूज देखते हैं हम लोग, तो यूज में लिखा हुआ है, देख लीजिए, द यूज ऑफ टी स्क्वायर सेट स्क्वायर स्केल, ठीक है, प्रोटेक्टर रॉल एंड ड्रॉ, यहाँ छूट गया थोड़ा सा, ठीक है, प्रोटेक्टर रॉल एंड ड्रॉ होना चाहिए, हम सही कर देते हैं इस स्टेटमेंट को। तो देखिए इसका यूज में क्या लिखा है, बोले कि द यूज ऑफ टी स्क्वायर सेट स्क्वायर स्केल प्रोटेक्टर, अरे CTOR प्रोटेक्टर जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, रॉल एंड ड्रॉ, रॉल एंड ड्रॉ, कोई दिक्कत, आर कंबाइंड इन ड्राफ्टिंग मशीन, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो यूज आप टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर या स्केल, ये सब क्या है, पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, इनसे जो कीजिएगा सारे का कंबाइंड यूज कौन करता है, ड्राफ्टिंग मशीन, कोई दिक्कत। चलिए अगला हम लोग अब इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे, स्केल के बारे में, स्केल क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। चलिए स्केल के बारे में समझते हैं हम लोग, तो आप लोग जानते ही हैं कि स्केल क्या होता है, कि हम लोग स्केल का यूज कहाँ करते हैं, ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए स्केल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि स्केल का जो जनरली चौड़ाई होता है 2-3 सेंटीमीटर होता है, आप लोग भी बगल में स्केल इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है, और इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है, ठीक है, अपना सुविधा के अकॉर्डिंग हम लोग जनरली 30 सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं, इसका लेंथ कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वैरी करता है। तो इसका सिर्फ विड्थ को समझिएगा, ये जो होता है 2-3 cm होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। तो 2-3 सेंटीमीटर होता है स्केल का चौड़ाई, कितना होता है 2-3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद, इट इज मेड ऑफ वुड स्टील प्लास्टिक कार्डबोर्ड ETC, या जो बना होता है स्टील का भी मिलता है, देखे हुइएगा मार्केट में, वुड का होता है, कार्डबोर्ड का होता है, प्लास्टिक का होता है, कोई दिक्कत। उसके बाद यूज में लिखे हैं ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कोई दिक्कत। अगर डिफिनेशन इसका बोले तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन हम लोग जिस समय स्केल पढ़ेंगे वहाँ लिखेंगे, ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, थोड़ा थोड़ा आपको टर्म सिर्फ जानना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे प्रोटेक्टर, क्या पढ़ेंगे, प्रोटेक्टर। चलिए अब हम लोग प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए प्रोटेक्टर क्या है, तो वैसा डिवाइस जिससे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं। तो प्रोटेक्टर जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक सर्कुलर प्रोटेक्टर, एक सेमी सर्कुलर। तो देखिए सर्कुलर या इसको फुल राउंड कहते हैं, जिस पे 0 और 360, ठीक है, 0 360 वाला देखे हुइएगा प्रोटेक्टर,
यानी कि सर्कुलर 0, 360, 90, 180, 270। तो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर प्रोटेक्टर कहते हैं या फुल राउंड प्रोटेक्टर कहते हैं। एक देखा आइएगा आप लोग, जिसको अर्धचांद कहते थे हम लोग बचपन में, 0, 90, 180, इसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। दोनों का पिक्चर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका यूज कहाँ करते हैं, ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोई दिक्कत, ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। चलिए खत्म होता है आपका प्रोटेक्टर। अगला बात करते हैं हम लोग कंपास के बारे में। ये सब में ज़्यादा समय इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, पहले से आप लोग जान रहे हैं इस सब चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं कंपास। देखिए कंपास क्या होता है, कंपास क्या होता है बताइए। कंपास मतलब जो हम लोग बचपन में जिसको डेढ़ सुई बोलते थे वही कंपास, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कंपास हो गया। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, ड्रॉ आर्क एंड आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है, ड्रॉ आर्क एंड आर्क ऑफ सर्कल या सर्कल, यही सब ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं, कोई दिक्कत। वही लिखेंगे कि कंपास इज यूज्ड फॉर ड्रॉ सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत। कंपास इज यूज्ड फॉर ड्रॉ सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत, आर्क ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत। अब दिखता होगा आपको क्लियर, कंपास इज यूज्ड फॉर ड्रॉ सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग डिवाइडर। तो डिवाइडर भी कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके दोनों एंड पे क्या होता है बताइए, नॉक बना होता है, कोई दिक्कत। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं कि डाटा का ट्रांसफर करने के लिए या डाटा को सेटअप करने के लिए, वन पार्ट ऑफ ड्राइंग टू अनदर पार्ट ऑफ ड्राइंग। मान लीजिए कि कहीं हमको कॉपी करना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडर लाएंगे, डाटा को सेटअप करेंगे, यहाँ से जहाँ हमको रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका जो यूज होता है ना, डाटा का सेटअप और ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, कोई दिक्कत। तो वही बात यहाँ लिखे होंगे, देख लीजिए, डिवाइडर इज यूज्ड फॉर, आप यूज में देख सकते हैं, डिवाइडर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइन एंड ट्रांसफर डाटा, ठीक है, उसके बाद या डायमेंशन डाटा का है या डायमेंशन का है, कोई दिक्कत। उसके बाद टू सेटअप डायमेंशन वन पार्ट ऑफ ड्राइंग टू अनदर पार्ट ऑफ ड्राइंग, मान लीजिए कि यही है, अब इसको यहाँ पे कॉपी करना है इस डिस्टेंस को, तो क्या करेंगे, डिवाइडर लाएंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ कॉपी करना, मान लीजिए यहाँ पे नोट करेंगे तो बिंदा आ जाएगा, समझ जाएंगे ये डिस्टेंस। तो डाटा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कोई दिक्कत, डाटा का ट्रांसफर कर रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला इंस्ट्रूमेंट आपका है फ्रेंच कर्व, क्या है, फ्रेंच कर्व। अगला इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, फ्रेंच कर्व। देखिए फ्रेंच कर्व क्या होता है, कि इससे भी ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए फ्रेंच कर्व क्या होता है, कि जहाँ पे कंपास के मदद से हम लोग आर्क नहीं लगा पाते हैं, तो कंपास के मदद से आर्क कहाँ नहीं लगा पाइएगा, जहाँ पे आपको रेडियस पता नहीं होगा, तो वैसे आर्क को हम लोग फ्रेंच कर्व से हम लोग लगाते हैं। फ्रेंच कर्व एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं, और वैसा आर्क बनाते हैं जो कि कंपास के मदद से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कंपास के मदद से कौन आर्क नहीं बनाएंगे, जिसका रेडियस पता नहीं हो। तो चलिए ये देखिए पहले इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, टेढ़ा, नाम से क्लियर है, फ्रेंच कर्व टेढ़ा मेढ़ा कर्व होता है, ठीक है, सेट में रहता है, ये सब सेट में रहता है, कई नंबर ऑफ वैरायटी में अवेलेबल, 16-17 को का कलेक्शन होता है, इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा कर्व होता है, ठीक है। तो यही इसी कर्व को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेंच कर्व कहते हैं। आप लोग देखे होइएगा सेट स्क्वायर वगैरह में कटा हुआ रहता है बीच में, टेढ़ा मेढ़ा कर्व के रूप में, देखे ना, तो वही फ्रेंच कर्व है, कोई दिक्कत, टेढ़ा मेढ़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ध्यान रखिएगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो वैसे आर्क को ड्रॉ करने के लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं, जो आर्क कंपास से हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। तो लिखेंगे, यूज में पढ़ देते हैं, देखिए कह रहा है कि फ्रेंच कर्व आर यूज फॉर ड्रॉ आर्क वेयर, ठीक है, वी कैन नॉट ड्रॉ विथ कंपास, वैसे आर्क जिसको कि हम लोग कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखिए ड्रॉइंग पेंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ड्रॉइंग पेंसिल, ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, थैंक यू।